365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। खबर 365 न्यूज एवं गांधी न्यूज के संवाददाता ने अलग अलग अस्पतालों का जायजा लिया जहां की ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि राज हॉस्पिटल ऑर्किड हॉस्पिटल में यह सुविधा उपलब्ध पाई गई। और जब सेंटीविटा हॉस्पिटल में हमारे संवाददाता ने पूछताछ की तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। आइए जानते हैं कि क्या कहा राज हॉस्पिटल और ऑर्किड हॉस्पिटल के जीएम और सीईओ ने। नमस्कार, खबर 365 न्यूज में आज आपको लिए चलते हैं हॉस्पिटल्स की ओर, जहां की ई ओपीडी की सुविधाएं दी जाती हैं। और अभी हम पहुंचे हैं राज हॉस्पिटल में और यहां मिलते हैं मनीष गुरुदत्ता जी से। नमस्कार सर, खबर 365 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके हॉस्पिटल में जो ई ओपीडी की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो किस प्रकार दी जा रही हैं, लोगों से आप कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। सरकार की तरफ से जो नंबर हमारा फ्लैश हुआ था 6651 जो लास्ट में है, वो नंबर पे पेशेंट्स कॉल कर रहे हैं और उसके द्वारा हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। उसके साथ साथ अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस भी डॉक्टर्स के करवा रहे हैं और ये एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हम लोग पेशेंट या पेशेंट अटेंडर से एक रुपये भी चार्ज अभी नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसके कोई चार्जेज नहीं है सर, लेकिन मनीष जी यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि बहुत लोग डिजिटल सेवा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा किया जाए? उनके लिए जो हमारी प्लानिंग है अभी कि हम लोगों ने अभी ओपीडी की सर्विसेज देने के प्लान किए हुए हैं। हम लोग अभी बाहर में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो कि कोविड के हैं वो भी हम लोग भरवा रहे हैं हर एक पेशेंट अटेंडर से जो हमारे पास अभी आ रहे हैं। तो आने वाले समय पे जैसे ही बातें आगे चलेंगी तो हम लोग उसके ओपीडीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले समय में भी ये ईओपीडी को जो सुविधाएं हैं ये कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी? जी बिल्कुल, हम लोग पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स के लिए जितनी भी सुविधाएं दे पाएंगे, जैसे ईओपीडी हो गई या ऑनलाइन कंसल्टेशंस हो गए, व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले समय पे चालू रहेंगी। तो जैसा कि अभी ये डॉक्टर्स के लिए 6 महीने डॉक्टर्स को अगर कोई परेशानी होती है, डॉक्टर्स असुविधा महसूस करते थे पहले, तो इसके लिए एक प्रावधान हो गया है कि 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो गई है। तो इसमें डॉक्टर अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने उनका मनोबल कितना बढ़ा है? देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशन एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोफेशन है। यहाँ पे मैं पर्सनली समझता हूँ कि कोई भी पेशेंट अटेंडर खुद से अग्रेसिव नहीं होता है, बट हाँ उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। बट जहाँ तक कि सरकार ने अभी शुरू किया है और ये डॉक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को ख़राब करना नहीं चाहता है इस दुनिया में, कोई भी डॉक्टर हो वो अपने मरीज के साथ ख़राब कभी नहीं करने देना चाहता है। बट उसका अगर मरीज ख़राब हो जाए तो उसके रिएक्शंस आते हैं, इससे डॉक्टर्स भी डरते थे। बट आज जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है और ये एक कॉन्फिडेंस और एक बूस्ट लेवल भी बढ़ा रहा है डॉक्टर्स के बीच में। तो जैसा कि मनीष जी ने कहा कि डॉक्टर्स के हित में लिए गए फैसले, इससे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा है और ये बिल्कुल सही है और ई ओपीडी की जो सुविधाएं हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। सर, आप ये कोरोना संक्रमण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना संक्रमण एक ऐसे स्टेज में आ चुका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। इंसान जितनी कोशिशें कर ले, हम लोगों ने अभी अपने हर एक स्टाफ के लिए पैरालिसिस दिया है और उसके साथ साथ हर एक मेडिसिन दी जा रही हैं अब मेरे अपने स्टाफ के लिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरत अवेयरनेस की होती है। अगर आप किसी को छू रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई डस्ट के क्यों ना हो, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक चीज़ समझे कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे हेल्थ केयर पॉइंट पे हैं, एक ऐसे अस्पताल में काम कर रहे हैं जहाँ पे दवाइयों के साथ साथ अवेयरनेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो अगर अवेयरनेस हम लोग फैला पाए तो आने वाले समय पे शायद हम लोग कोरोना से लड़ने लायक भी रहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अवेयरनेस की ज़रूरत है और रांची में अभी तो कुछ चहल पहल भी दिखने लगी है सर, तो लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, इन्होंने कहा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष गुरुदत्ता जी, मैं रुचि शर्मा, खबर 365 न्यूज़ के साथ।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी खबर 365 न्यूज की तरफ से हम पहुंच चुके हैं ऑर्किड हॉस्पिटल में और यहां मिलते हैं जीएम से। सर नमस्कार, खबर 365 न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं ऑर्किड में अभी जीएम नहीं हूँ, मैं पोस्ट ऑफ एजीएम एंड थैंक हमारा धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं। सर मुझे ये जानना है कि ईओपीडी की जो सुविधा दी जा रही है आपके हॉस्पिटल से, तो वो किस प्रकार दी जा रही है, लोग कैसे जुड़े हुए हैं इससे और आपने कितने लोगों को ये सुविधा दी? देखिए, जो ईओपीडी की जो सुविधा है वो सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स एएचपीआई जो है उन्होंने ये शुरू किया था और हम लोगों ने हम अपने यहाँ ये सुविधा रोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे और इस सुविधा ऑन एन एवरेज रोज़ किसी दिन 30 किसी दिन 40 50 कॉल्स आते हैं और ओवर टेलीफोन हम उन लोगों को जो भी उनके डाउट्स हैं जितना हद तक हम क्लियर करा पाते हैं वो हम करा रहे हैं। जिन लोगों को उसमें से ऐसा समझ में आता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो उनके लिए हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा है, उन लोगों को हम एम्बुलेंस सुविधा के थ्रू यहाँ हॉस्पिटल बुला लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और इससे क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपको भी पता होगा कि लोगों में हेल्थ केयर को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह बन गया था कि अब हम कैसे पहुंच पाएंगे, तो यह सुविधा बहुत अच्छी है और इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अभी तक आपने कितने लोगों को बुलाया है सर यहाँ पर? देखिए, ऐसे नंबर्स में डेली के हिसाब से तो बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फोन्स बहुत ज्यादा आते हैं, बट उसमें से हम अगर रात 3-4 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 5-7 लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड था और उनको हमने एम्बुलेंस की सुविधा देके यहाँ लाया है। तो जैसा कि सर ने कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा दे करके इन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल में बुलाया है और उनका इलाज चल रहा है, तो और भी जानते हैं सर कि डॉक्टर्स के लिए जो अभी आए हैं एक प्रावधान कि अगर डॉक्टर्स को किसी भी तरह की परेशान लोग करते हैं तो उन्हें 6 महीने से 7 साल की सजा होगी, तो इसमें डॉक्टर्स अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कितना प्रोत्साहन मिला है उनको? देखिए, ये पैंडेमिक जो है, ये पैंडेमिक में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से भी जो मतलब डॉक्टर्स के ऊपर पथराव भी हुए बहुत जगह पे, बहुत जगह हेल्थ वर्कर्स के साथ बदतमीजी की गई, तो एसोसिएशन तो शुरू से ही इन चीज़ों को लेकर के बड़ा ही सीरियस रहा है और हम चाहे वो हॉस्पिटल हो या डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी हो, सब लोग हमेशा चाहते थे कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आए, बट somehow वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है और ये पैंडेमिक के में अभी, लेकिन ये एक अच्छा एक कदम सरकार ने लिया है कि डॉक्टर्स के हित में कि पैंडेमिक के समय पे कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार डॉक्टर के साथ ना करें, इससे ऑफकोर्स एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है जिससे कि लगता है कि हाँ भाई मेरा वर्क प्लेस सेफ है, सेफ टू वर्क है। और हम लोग सरकार के भी शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर्स निडर होकर के अपना काम कर रहे हैं, निर्भीक होकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। सर आप और कोरोना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से संक्रमण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसके लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो मेरी अपील है वो अपील आप फोन पे रिंग होते ही सुन रहे हैं, तो मेरी कोई नई अपील नहीं हो सकती है। मैं बस इतना ही अपील कर सकता हूँ कि आप अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, हाथ को अपने बार बार धोएं, तो रेगुलर इंटरवल्स में,
सैनिटाइजर और फेस मास्क का उपयोग करें कहीं बाहर जाने के लिए, और जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तो अवॉइड करें बाहर जाना, क्योंकि इट इज नॉट सेफ। ईओपीडी की जो सुविधाएं दी जा रही हैं अभी, तो ये कंटिन्यू जारी रहेंगे? देखिए, अभी तो ये इसको हम लोग और इम्प्रोवाइज करने का ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से और भी बेटर कर लें हम लोग। कितने नंबर्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं सर इसके लिए? सर मैम, नंबर तो देखिए, एक हमारा जो एएसपीआई के थ्रू हमने जो नंबर सर्कुलेट किया हुआ, तो एक नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर भी अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप एक बार अपने चैनल पे बता भी सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली हमारा जो कोर इंटेंट है वो ये है कि इस सर्विस को हम और इन्हेंस कैसे करें और इम्प्रोवाइज कैसे करें। इसके लिए हमारा इमरजेंसी नंबर जो है, जो 0651-7100-100, कोई भी उस नंबर पे भी फ़ोन करता है तो उसके उसके थ्रू हम वो नंबर नोट डाउन करके, उसके बाद फिर जो टेली ओपीडी है उसके उस नंबर से कॉल लगा करके हम डॉक्टर से उनकी बात करा देते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी वो नंबर नहीं पहुंच पाया है, वह नंबर आपको अभी बता भी देता हूँ। आप नंबर है 7739097188, ये ईओपीडी के सुविधा के लिए है। और इसके अलावा हमारा जो इमरजेंसी नंबर है, जो कि एक्चुअली सब जगह सर्कुलेटेड है, दैट इज 0651-7100-100। तो कोई भी इस नंबर पे फोन करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है, अपना नंबर लिखवा सकता है, उसको हम लोग फिर रेगुलेट करके उनकी बात डॉक्टर से जरूर करा देते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने कुछ नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं और इन्होंने नंबर भी बताया जिससे सुविधाएं दी जाती है, और डॉक्टर्स को कहा जाए तो हमारे भगवान का दूसरा रूप होता है, और ऐसी परिस्थिति में भी, ये संक्रमण में भी ये सुविधाएं दे रहे हैं ईओपीडी की, और इनका बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ खबर 365 न्यूज के साथ, मैं रुचि शर्मा। जैसा कि अभी ऑर्किड हॉस्पिटल के सीईओ से मिलते हैं। सर नमस्कार, खबर 365 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपको कोई भी जानकारी चाहती है तो बताइए। डॉक्टर पीके गुप्ता जी से सर ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो ईओपीडी की सुविधा दी जा रही है, तो जो लोग डिजिटल हैं कि वो लोग तो ये सुविधा ले रहे हैं, बट जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उन तक ये बात कैसे पहुंचा पाए? देखिए, जो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं वो फ़ोन करते रहते हैं, ये सुविधा दे देने से है कि वो उसी को फ़ोन करते हैं, और हमारा जो आदमी है एचआर का, वो कंसल्टेंट से उनको जो है कॉन्टैक्ट करा देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देता है। और जिसके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है उससे बात करके डायरेक्ट कन्वर्सेशन कंसल्टेंट से करा देते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग करके। तो अगर ये हो जाता है तो हम लोग एडवाइस कर देते हैं, अगर सिंपल बीमारी है, फॉलोअप के भी केस हैं, नए केस भी हैं, तो उनको एडवाइस करने से अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो कॉल कर लेते हैं कि यहाँ आ जाइए, हम लोग इमरजेंसी ओपीडी में देख देंगे। तो इमरजेंसी ओपीडी में उनका स्क्रीनिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अगर ज़रूरत होती है कि नहीं कंसल्टेंट को दिखाना ही है तो कंसल्टेंट को दिखा दिया जाता है, उनके ऊपर कर दिया जाता है, आप लोग दिखा लीजिए कंसल्टेंट को। और अगर कोई कोविड सिम्टम्स हैं, कोरोना के सिम्टम्स हैं, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो उसको एडवाइस कर देते हैं कि रिम्स में चले जाइए। उस हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं।